मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा प्रवास के दौरान पहले दिन 28 जनवरी को बैसनाथ आगमन पर क्षेत्र के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 28 जनवरी को मंडी में सड़क मार्ग से बैसनाथ दौरे में आ रहे हैं। सीएम दौरे को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष कर्ण जम्वाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक मुल्क राज प्रेमी व पूर्व विधायक दुलेराम विशेष तौर पर उपस्थित हुए। बैठक में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बाद में पूर्व विधायक दुलेराम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बीट रोड में भव्य स्वागत किया जाएगा। सीएम दोपहर बाद 2:30 बजे बीट स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान भवन का शिलान्यास रखेंगे। तत्पश्चात सीएम बैसनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मेला ग्राउंड में भारी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद सीएम महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात मंदिर में यात्री निवास का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद सीएम मझरेणा में चलोक बेड़ू 90 लाख तथा झिकली भेड़ गांव में 1,45,00,000 की लागत से बनने वाली पेयजल योजना का शिलान्यास करेंगे। दुलोराम ने कहा कि 15 वर्षों से बंद पड़ी उतरला हरोली सड़क मार्ग को बनाने के लिए मुख्यमंत्री से मुख्य तौर पर मांग रखी जाएगी तथा इसे जल्द पूरा करने के लिए आग्रह किया जाएगा। इस सड़क मार्ग बनने से 2 जिलों कांगड़ा व चंबा के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पूर्व विधायक मुल्क राज प्रेमी ने सीएम दौरे को लेकर सभी अधिकारियों को बैठक में उन्हें जरूरी निर्देश दिए। और लोअर हिमाचल का शीतकालीन प्रवास प्रारंभ कर रहे हैं। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के की जनता कांगड़ा के प्रवेश द्वार पर उनका अभूतपूर्व स्वागत करेगी और इस स्वागत में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता आदरणीय जयराम ठाकुर जी का बीड़ में अभिनंदन करेंगे। बीड़ में वो साइंस ब्लॉक का शिलान्यास करने के बाद मेला ग्राउंड बैजनाथ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा जिला के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आज यहां श्री कर्ण जवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उस बैठक में पूर्व स्वागत के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। जनसभा के बाद वो महाकाल में यात्री सदन का शिलान्यास करेंगे, उसके बाद मझारना और झिकली बेट में 2 पानी की स्कीमों का भी शिलान्यास करेंगे। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता और जिला कांगड़ा की जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है और हम पूरी यहां का जो मंडल है वो पूरी ताकत के साथ उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रहा है। ये प्रदेश का सौभाग्य है कि जयराम ठाकुर जैसे व्यक्ति जो एक साधारण परिवार आम परिवार से उठ करके प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर आज विराजमान है। हम केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ईमानदार नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में चलाने के लिए दिया है और उनके नेतृत्व में हिमाचल आगे बढ़ेगा और कांगड़ा जिला को उनसे विशेष उम्मीद है कि वो इस दौरे में इस क्षेत्र की जनता के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे और बैजनाथ क्षेत्र की और इस कांगड़ा की चिर प्रतीक्षित मांग होली उतराड़ा सड़क के संबंध में भी उस दिन एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलेगा ताकि 15 साल से जो सड़क बंद पड़ी है उस सड़क के निर्माण से बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को आने वाले समय में जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ कम से कम समय में हमें प्राप्त हो।